ये है मेरा 6-in-1 YouTube स्टूडियो का सेटअप, जहां पर आप भी एक ही कमरे के अंदर 6 बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा ये वाला फ्रेम जो आप देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होता है आप ही की वीडियोस जब हम रिव्यू करते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी सिखाया जाता है, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर हम चीजों को देख रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वहां पर ये फ्रेम आपको देखने को मिलता है, जिसमें हमारे बैकग्राउंड में लैपटॉप कंप्यूटर हमारा दिखाई दे रहा है। पीछे हमारी एक रिंग लाइट जल रही है जो काफी अच्छी लगती है, सिनेमेटिक लगती है देखने के लिए, और ये पीछे हमारा नियॉन साइन जल रहा है जिसकी हल्की सी झलक आपको देखने को मिलती है। अब ये आ जाता है हमारा दूसरा फ्रेम, जो हमारे कमरे का सबसे ज्यादा लंबे वाला डिस्टेंस होगा। ये आपको अपनी मोस्टली वीडियोस में यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना दूर आप अपनी दीवार से होंगे उतना ज्यादा ब्लर आपकी वीडियोस में होगा। अब ये पीछे साइन तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा ब्लर हो चुका है। ये वाला फ्रेम आप बना सकते हैं अपने कमरे के डायगोनल हिस्सों पे, कि एक बिल्कुल कोने पे आपका कैमरा रखा हुआ है और उसको दूसरे कोने की तरफ, जैसे ये दीवार और हमारी ये दीवार आपस में मिल रही है, ये कोना ठीक आपके पीछे होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस आपको अपनी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें भी देखो लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सामने से आप डायरेक्ट लाइट मारोगे तो बैकग्राउंड पे भी वो लाइट जाएगी, जो इतना सिनेमेटिक नहीं बना पाएगी आपके शॉट को। तो आपको क्या करना है, जो आपकी लाइट है मेन, उसको आपको राइट या लेफ्ट साइड में रखना है, जो थोड़ा सा आगे की तरफ हो आपके चेहरे पे। जैसे ये ब्राइट एरिया आपको नजर आ रहा है, आधा फेस आपका ब्राइट रहेगा और आधे फेस के ऊपर आप हल्की सी कोई भी लाइट लगा सकते हैं। जैसे हमने ये RGB ट्यूबलाइट ले रखी है, ये आप रख सकते हैं किसी भी कलर की, और ये हल्की सी यहाँ पे येलो ऑरेंज कलर की आपको शेड नजर आ रही होगी। बैकग्राउंड में कोई भी आप लाइट हल्की सी लगा सकते हैं सॉफ्ट टच के लिए, जो आपका बैकग्राउंड काफी अच्छा निखार देगी। ये हुए हमारे दो फ्रेम्स। ये है हमारा तीसरा फ्रेम, और ये आपने हमारे शॉर्ट्स और रील्स में जरूर देखा होगा, यहीं पे हमारी सारी शॉर्ट्स बनती है। अब हर कमरे के अंदर 4 दीवारें होती है, जिसमें से एक दीवार के ऊपर आप बिल्कुल अलग कलर बना सकते हो, जो आपकी वीडियो के लिए सेकंड मेन बैकग्राउंड रहेगा आपका, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब मेरे कमरे की 3 दीवारें हमारी डार्क ग्रे कलर की, और एक दीवार हमने ऑरेंज येलो शेड में दी है, जो बिल्कुल कमरा दिखाने में भी अच्छी लगती है, और कमरा इससे हमारा काफी ज्यादा बड़ा भी लगता है। अब ये कमरा बड़ा कैसे लग रहा है, ये चीज ना समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आपके 3 कलर एक जैसे होंगे और एक कलर बिल्कुल अपोजिट होगा ना, तो आपका जो शेड है काफी ज्यादा अच्छा देखने को आपको मिलेगा। ये वाला जो फ्रेम है मैं मोस्टली रखता हूँ अपनी यूट्यूब रील्स और शॉर्ट्स के लिए, ताकि हमारा शॉर्ट्स का एक बैकग्राउंड अलग सा हो और हमारी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस का बैकग्राउंड एक अलग हो। अब इस तरीके से सोफे पे बैठ के बात करना बन जाता है हमारा चौथा फ्रेम, जो बेसिकली मैं यूज करता हूँ अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, स्पेशली जब कोई हमें अनाउंसमेंट करनी हो या 1-to-1 आपसे कोई बात करनी हो, जिसमें कुछ सिखा नहीं रहे, सिर्फ बता रहे आपको कैसे कर सकते हैं या फिर क्या मैं करने वाला हूँ, या कोई भी अपडेट होती है, या फिर कोई भी, जैसे अगर आपने मेरी शादी की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने सोफे के ऊपर बैठ के पूरी कहानी बताई हुई है, जो लोगों को काफी अच्छी भी लगी थी। तो इस तरीके की जो वीडियोस होती है, जो मेरी पर्सनल होती है, जिसमें मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ, वो मैं सोफे पे बैठ के ऐसे कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ। और इसके साथ में एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, अपने सर के पास इस तरीके से एक टॉप डाउन में रिंग लाइट भी रख सकते हैं। अभी मैंने फ्रेम में आपको दिखाने के लिए पास में रखी हुई है, जो आपके चेहरे पर कुछ ऐसे अलग से कलर की हाईलाइट डालेगी, जो काफी अच्छी भी लगती है। और अगर यहाँ पर मैं इस लाइट को बंद कर दूं, तो ऐसे आप सिनेमैटिक, कुछ हॉरर, ड्रामेटिक कुछ भी अगर आपको दिखाना हो, तो आपकी लाइटिंग की मदद से आप बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अगर किसी भी लाइट का कलर चेंज करता हूँ, तो सीन जो है हमारे बिल्कुल अलग बनते जाएंगे। तो 2 लाइटों की मदद से आप अपने कैमरा के अंदर काफी कुछ चीजें अलग तरीके की बना सकते हैं। अब अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा गोडली अमाउंट का शॉट लेना, बहुत ही सिनेमैटिक सी चीज लेनी है, जिसमें हीरो या विलन का फेस रिवील करना है, तो उसमें आप अपने बैकग्राउंड के पीछे लाइट रख सकते हो। जैसे कि पीछे हमारी मेन लाइट है, जो हमारे सर के पीछे से पड़ रही है, और आगे हमारे पास अंधेरा है चेहरे पे। इसको और सिनेमैटिक बनाने के लिए आप अपनी लाइट के पीछे ब्लैक पर्दा टांग सकते हो, ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए और आपकी जो लाइट है वो आपके सर के पीछे से पड़ रही है, आपके बालों के ऊपर इस तरीके से आ रही है, तो ऐसा लगे कि बहुत ही बंदा पता नहीं कौन ही है ये। इसको आप उस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे भगवान का कोई सीन दिखाना है, कि अगर आपका कैरेक्टर भगवान बना हुआ है या फिर कोई एक सुपर पावर्स है उसके अंदर, तो इस तरीके से लाइट आप पीछे से मार के अपना फ्रेम आप बना सकते हो। लास्ट आ जाता है हमारा वो फ्रेम, जो हमेशा आपकी इमरजेंसी में काम आता है, वो है आपका आउटडोर बैकग्राउंड वाला शॉट। अब कमरे के अंदर आए हो तो बाहर जाने वाला दरवाजा भी तो होगा ना, वो दरवाजा जैसे
हमारा ये है। बैकग्राउंड से यहाँ से आपकी आउटडोर लाइट आती है अंदर। अब जैसे इस समय लाइट जा चुकी है तो हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ जलाने के लिए नहीं है, तो बैकग्राउंड की ये जो लाइट हमारी बाहर से आ रही है ये हमारा बैकड्रॉप बहुत अच्छा बना देती है। एक ही लाइट हम इन्वर्टर पे चला सकते हैं, जो हम छोटी सी एक लाइट जला रहे हैं उसकी वजह से हमारे चेहरे पे लाइट पड़ रही है, तो जो हमारा शॉट है बहुत अच्छा बन जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। और अगर इमरजेंसी नहीं भी हो तो कैमरे के अंदर कुछ यूनिक सा दिखाने के लिए आप ये आउटडोर वाली एक हैप्पी मोमेंट वाली लाइट आप बना सकते हो। तो ये था हमारा 6-in-1 YouTube स्टूडियो सेटअप। इस साल के एंड तक हम 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।